हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ आजकल। तो गाइस, कल हम लोग आए थे पटना से बोधगया अपने फ्रेंड के साथ, रवि के साथ। और कल चूँकि आते आते हमें यहाँ शाम हो गया था, 4:30 के अराउंड हम लोग बोधगया पहुँचे थे, तो यहाँ एक्सप्लोर नहीं कर पाए थे। सबसे पहले हम लोग जाएंगे महाबोधि टेम्पल, तो मैं आपको चल करके दिखाता हूँ और आगे की बातें होंगी वो मैं आगे करूँगा। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, चलते हैं हम लोग महाबोधि टेम्पल, फिर मिलते हैं आगे। आगे का जो भी डिटेल्स वगैरह जहाँ जहाँ जाते हैं वो सब कुछ आप मेरे वीडियोस में देखोगे। वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक करना, और आप नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो गाइस, 3-4 रास्ते हैं पटना से बोधगया आने के। आप बाई रोड आ सकते हो अगर आपके पास बाइक है तो, या फिर आप कार से आ सकते हो, वहाँ से आप कैब वगैरह बुक कर सकते हो। सबसे ईजिएस्ट वे है ट्रेन। ट्रेन मॉर्निंग में 6 o'clock चलती है, जो कि 2 घंटे में बोधगया पहुँचा देती है। फ़्लाइट भी है पटना से बोधगया का, तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आजकल हाईवे भी बिहार में काफ़ी ज़्यादा बन गए हैं। अगर आप बाई रोड आते हो तो ये 3 से 4 घंटे आप मान लो अभी लगेंगे बोधगया पहुँचने में। कल हम लोग बाइक से आए थे तो अराउंड 3.5 आवर लगा था। इधर होटल्स वगैरह हैं महाबोधि मंदिर के पास। तो गाइस, हम लोग पहुँच गए महाबोधि टेम्पल, और ये रहा महाबोधि टेम्पल। तो यहाँ पे जूता चप्पल रख सकते हो। तो सबसे पहले हम लोग अपना मोबाइल जमा करेंगे यहाँ पे। तो गाइस, यहाँ पे आप मोबाइल जमा कर सकते हो, जो कि बिल्कुल निःशुल्क है। और आप आते हो इस टेम्पल के अंदर में तो आपको शूज़ भी जमा करना है, जो कि फ्री है। तो यहाँ पे हम लोग शूज़ जमा करेंगे। ये है महाबोधि टेम्पल का एंट्रेंस। तो गाइस, ये है महाबोधि टेम्पल के अंदर का एरिया। AM to 9 PM तक ओपन रहता है ये टेम्पल। यहाँ आया हूँ। तो गाइस, सामने है महाबोधि टेम्पल। ये कौन सा है? हमने महाबोधि टेम्पल के अंदर अभी गए थे, आपने देखा होगा व्यू। और अभी हम लोग जा रहे हैं महाबोधि ब्रिज देखने के लिए। यहाँ पे लोग सभी लोग मेडिटेशन करते हैं। तो गाइस, ये रहा महाबोधि ट्री, जहाँ पे तो गाइस भगवान बुद्ध का जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो इस ट्री के नीचे हुई थी। Bye.
गाइस यहाँ पे बहुत ज़्यादा शांति होती है, लोग मेडिटेशन करते हैं तो ज़्यादा आप चिल्ला करके बात भी नहीं कर सकते हो। तो यह बुद्धिज़्म का जो चार सबसे जो पॉपुलर डेस्टिनेशन है उसमें से यह एक है जहाँ पे भगवान बुद्ध आए थे। आप देख रहे हो यहाँ से जो तिब्बतियन लोग हैं जो बुद्धिज़्म को मानते हैं वो लोग बेसिकली प्रेयर करते हैं। प्रेयर में ये यूज़ होता है, फ्लावर्स, ये वाटर और भी बहुत सारे तरीके हैं जो हम लोग को नहीं पता है। वैसे मंदिर का परिसर बहुत ही अच्छा है ना, मंदिर का परिसर बहुत अच्छा है। आप यहाँ पे आ करके एक दो घंटे तो आराम से स्पेंड कर सकते हो, आप चाहो तो कुछ मेडिटेशन भी कर सकते हो यहाँ पे। तो बुद्धिज़्म को मानने वाले लोग यहाँ पे काफ़ी लोग आते हैं। सी द व्यू फ्रॉम हियर, इस साइड से प्रॉपर डेकोरेशन किया गया है। हम लोग चल रहे हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे, तो अभी सबसे पहले यहाँ से निकलेंगे तो ब्रेकफास्ट करेंगे, ब्रेकफास्ट के बाद आगे जाएंगे। हाँ, बोधी टेम्पल के बगल में ही जगन्नाथ टेम्पल है, तो हम लोग जूते वगैरह खोल रखे हैं तो सोच रहे हैं कि जगन्नाथ टेम्पल भी विजिट कर लें। तो अभी हम लोग चलते हैं जगन्नाथ टेम्पल। तो जगन्नाथ टेम्पल का सेम एंट्रेंस है, बट लेफ्ट साइड से एंट्रेंस है जगन्नाथ टेम्पल का, और आप उधर देख रहे हो उधर महाबोधि टेम्पल जाने का रास्ता है। तो यहाँ पे बहुत सारे जगह हैं देखने के लिए, बहुत सारी मॉनेस्ट्री है, टेम्पल्स हैं। तो आप एटलीस्ट यहाँ आओ तो एटलीस्ट दो दिनों के लिए यहाँ पे आओ ताकि हर एक जगह को यहाँ पे देख सको। सबसे बेस्ट है यहाँ पे महाबोधि टेम्पल के अंदर मेडिटेशन करना, तो यहाँ पे आकर के कुछ घंटे मेडिटेशन करो, वो बहुत ही एनर्जी आपको पॉजिटिव वाइब्स देता है बेसिकली। और ये रहा श्री जगन्नाथ मंदिर जो कि काफ़ी फेमस है बोधगया में। और ये है जगन्नाथ टेम्पल का परिसर। तो गाइस हमने महाबोधि मंदिर और जगन्नाथ मंदिर दोनों देख लिया, अब इनके सामने तिब्बत मंदिर है वहाँ पे जा रहे हैं। महाबोधि मंदिर के जस्ट अपोजिट में यह टेम्पल है, तो आप यहाँ पे आओ तो तिब्बत मंदिर देख सकते हो। तो गाइस हम लोग तिब्बत टेम्पल में आए हैं, तिब्बतियन बुद्धिस्ट टेम्पल।
अभी हम लोग यहाँ से जा रहे हैं जायंट बुद्धा, जहाँ पे भगवान बुद्ध का बहुत बड़ा स्टैचू है। तो जल्दी से चलते हैं वहाँ पे, क्योंकि वो 12 बजे बंद हो जाता है, 12 से 2 बंद होता है, एंट्री नहीं होती है 12 से 2 के बीच में, लेकिन आप 12 बजे से पहले एंट्री करके वहाँ पे घूम सकते हो। ये है जायंट बुद्धा, यहाँ से जो व्यू है बहुत अच्छा मिल रहा है जायंट बुद्धा का। और मैं आपको बता दूं कि ये 12 o'clock से 2 p.m. तक बंद होता है, इस बीच में एंट्री नहीं मिलती है, तो आपको 12 बजे से पहले एंट्री करना होगा। उसके बाद आप बाहर तो निकल सकते हो, लेकिन 12 से 2 के बीच में अंदर नहीं आ सकते हो। और ये जो स्टैचू है वो 80 feet का है, यू कैन सी। हम लोग अब चलते हैं आगे और कोई दूसरा टेंपल एक्सप्लोर करते हैं। तो गाइस ये है पल्यूल नामग्योलिंग टेंपल। तो इस टेंपल का नाम है पल्यूल नामग्योलिंग मंदिर। तो गाइस ये सब जो जितने भी टेंपल यहाँ पे बने हुए हैं काफ़ी सुंदर लगते हैं देखने में। तो ज़्यादातर जो टेंपल है वो सुबह 7 से 12 बजे तक खुला रहता है, उसके बाद 2 बजे से शाम 5 बजे तक खुला होता है। बीच का जो समय होता है 12 से 2 का, उस समय जो प्राइवेट टेंपल्स हैं वो बंद होते हैं, और जो भी गवर्नमेंट के द्वारा ओपन है वही सब खुला रहता है। तो आप जब भी आओ यहाँ पे तो वैसा ही प्लान करो ताकि आप मॉनेस्ट्री और टेम्पल देख सको। ये भी तो गाइस ये भी टेम्पल बंद है अभी। तो गाइस ये है वाट भाई बुद्ध गया। एक टेंपल है जहाँ पे कल रात को गए थे, उसका व्यू बहुत अच्छा था, वहाँ पे चल के देखते हैं हमें अंदर जाने को मिलता है कि नहीं अभी, क्योंकि टाइम 12 से 2 के बीच में जैसा मैंने बताया था कि ज़्यादातर जो मॉनेस्ट्री होती है वो क्लोज होती है। तो अभी हम चल के देखते हैं आगे। तो गाइस ये है मेता बुद्धा धर्म टेंपल जहाँ हम कल रात को आए थे, इसका व्यूज बहुत ही अच्छा है, अभी हम लोग अंदर चल करके देखते हैं। दो बजे खुलेगा। अच्छा तो गाइस जैसा मैंने बताया था ये भी बंद है, 12 से 2 बंद होता है। तो गाइस ज़्यादातर जो टेंपल मैंने बताया है 12 से 2 के बीच में बंद होता है, और यह भी बंद है। तो हम लोग तो इतना देर रुक नहीं सकते हैं, आगे चलते हैं। आगे कुछ और जगह है जो हम अभी होटल से चेकआउट करेंगे, चेकआउट करने के बाद एक जगह है वहाँ पे जाएंगे, और वहाँ से फिर वापस पटना के लिए निकल चलेंगे। तो चलते हैं आगे। अभी होटल से चेकआउट कर दिया है, अभी हम लोग मुचलिंदा लेक जाएंगे, और वहाँ से हम लोग फल्गु रिवर है पास में ही, तो फल्गु रिवर में जाएंगे, ड्रोन उड़ाने की कोशिश करेंगे अगर वहाँ पर उड़ गया, क्योंकि यहाँ पर तो मॉर्निंग में उड़ नहीं पा रहा था, बहुत ज़्यादा वाईफाई रेंज शो कर रहा था, और एयरपोर्ट भी है पास में, तो आई थिंक कि उसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही थी। तो हम लोग फल्गु रिवर में उड़ा करके देखेंगे, कुछ शॉट ले पाए तो ठीक है, उसके बाद पटना के लिए निकल चलेंगे। तो आई होप गाइस कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, फिर मिलते हैं आगे मुचलिंदा लेक में। ये है बोधगया का लोकल मार्केट, थोड़ा सा यहाँ पे क्लीननेस की ज़रूरत है, थोड़ी सफाई नहीं है यहाँ पे, गंदगी बहुत है, कंजेशन भी बहुत है। हम लोग
तो गाइज गूगल पे मुचलिंडा लेक ये दिखाता है, जो कि एक्चुअल में ये नहीं है, ये तो सूखा हुआ तालाब जैसा लग रहा है, ये बन रहा है शायद। तो गाइज फिर से गूगल सर्च करता हूँ, उसके बाद देखते हैं कहाँ पे है एक्चुअल में लेक, तो वो चल के देखते हैं। हम लोग बोधगया छोड़ चुके हैं और ये जो देख रहे हो ये फल्गु रिवर है, जहाँ पे लोग पिंड दान के लिए आते हैं। तो आई होप गाइज आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करना, आप नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं फिर नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।